अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों को मैं स्पेशल निहारी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुकिंग पैन में कुकिंग ऑयल लिया है और ये हल्का सा गर्म हो चुका है। ये मैंने बीफ लिया है, ये इस तरीके से मैंने हड्डी वाला भी लिया है और ये इस तरीके से और बॉटी भी ली है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम भूनेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, एक खाने का चम्मच बड़ा भरकर भूनेंगे गोश्त को। फ्लेम जो है मैंने यहाँ पर मीडियम रखी है। लहसुन अदरक डालकर मैंने 2-3 मिनट तक गोश्त को भून लिया था और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले देखें, ये सब के सब मसाले मैंने घर पे खुद से बनाए हैं। सबको पहले मैंने रोस्ट कर लिया था मसालों को और पीस के मैंने रखा हुआ है घर पे। 1 टीस्पून सौंफ, ये सौंठ ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैंने पहले इसे फ्राई करके, इसको रोस्ट करके यानी पीस के रखा हुआ था। ये है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि ये मसाला हमारा जल ना जाए। और ये 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसका कलर जो है ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैंने 1 टीस्पून ली है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने जायफल जवाहरी का पाउडर लिया है। भूनेंगे। थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया था। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने इसमें। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने एक प्याज इस तरीके से मीडियम साइज़ की ले ली थी और इसको ऐड करूँगी। काटना नहीं है, ये ऐसे ही साबुत ही ऐड होगी। अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इतना पानी भरना है कि ये पूरा, ताकि गोश्त आपका सही सा गल जाए। और इसको 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी गलने के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 15 से 20 मिनट में आपका गल जाता है। अब मैं तो तेरछे में बना रही हूँ, इसमें कम से कम हमारे जो है 1 घंटा लगेगा। और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो है ये दालचीनी का पाउडर। ये मैं यहाँ पे अब ऐड कर रही हूँ। ये गोश्त गल चुका है, अब मैं इसमें ये आटा ऐड करूँगी। ये मैंने आधी प्याली आटे की ली थी और इसको मैंने पानी में अच्छा सा हल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से हमारी निहारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तकरीबन बन चुकी है। मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होनी हैं, अभी ये फाइनल नहीं हुई। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक इसको फिर से पकाएंगे, उसके बाद आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। अब हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। आप देखें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनी है। और अब मैं डिश आउट करूंगी और आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने डिश आउट कर लिया है। अब ये देखिए, ये है इसकी फाइनल लुक। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।